जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का अचीवो में स्वागत करता हूँ। एक जो आप देख रहे हो घटना सर के अर्थवार्षिक के हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की बुक है, जिससे हमने टॉप 300 करंट अफेयर्स के एमसीक्यू को तैयार किया है। बेसिकली इसके कंटेंट्स पे एमसीक्यू को तैयार किया है, जो आने वाले यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी और अदर एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन यूजफुल होने वाले हैं। ये भाग सेकेंड है, तो पिछले क्वेश्चन देखते हैं। भाग वन में 1 से 25 तक हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, यहाँ से 26 से स्टार्ट करते हैं। विच स्टेट रिसेंटली अनवील्ड इंडिया फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और आंध्र प्रदेश। बताइए आंसर क्या है? आंसर है आपका ए, उत्तराखंड के द्वारा आपको शुरू किया गया है एस्ट्रो टूरिस्ट पहल का अनावरण किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे कि विच आर्मी हॉस्पिटल इन दिल्ली इज होम टू द स्टेट ऑफ आर्ट स्किन बैंक ओपन इन जून 2024। नई दिल्ली का कौन सा सेना अस्पताल है जिसमें अत्याधुनिक त्वचा बैंक घर खोला गया है? आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल दिल्ली का, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ और बेस हॉस्पिटल मथुरा रोड। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है आपका ए, आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड पीएम टूरिज्म हवाई सेवा इन जून 2024। जून 2024 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की है? ऑप्शंस मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। बताइए आंसर क्या है? आंसर है आपका ए, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली स्टार्टेड निजुक मोइना योजना टू कर्व चाइल्ड मैरिज। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए निजुक मोइना योजना शुरू किया है? असम, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। आंसर है आपका ए, असम के द्वारा शुरू किया गया। इन जून 2024 नेम ऑफ द जोशी मठ लोकेटेड इन उत्तराखंड वाज चेंज टू। उत्तराखंड में जो जोशी मठ जगह है उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्वाटिका, जोशी मठ पुराना और श्री बद्रीनाथ। आंसर क्या है? आंसर है आपका ए, ज्योतिर। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा इज डूइंग रिसर्च ऑन मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट पैथोजेंस इन कोलेबरेशन विद विच आईआईटी ऑफ द इंडिया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस आईआईटी के सहयोग से मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगजनकों पर शोध कर रही है? ऑप्शंस आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर। आंसर आपका सी, आईआईटी मद्रास के साथ कोलेबरेशन करके मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस पे। Who will become the first female helicopter pilot of the Indian Navy in June 2024? June 2024 में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका राजीव, हिना विजयन, श्वेता सिंह और रुक्मिणी जैन। बताइए आंसर क्या है? आंसर आपका ए, अनामिका राजीव। इंडिया हैज बीन रैंक्ड 129th इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन जून 2024। जून 2024 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी दुनिया के कितने देशों के ग्लोबल जेंडर इंडेक्स गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 129वां स्थान दिया गया? ऑप्शन आपके सामने 100, 146, 129 और 155। बताइए आंसर है आपका बी, 146 देशों में से 146 देशों में से इंडिया को कौन सा रैंक दिया गया? 129वां रैंक दिया गया किस कौन से इंडेक्स में? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। और ये रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया जाता है। तो इतने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इन जून 2024 इंडिया इमर्ज एज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ विच ग्रीन हाउस गैस। जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस के विश्व के दूसरे सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन।
आंसर है आपका बी, नाइट्रस ऑक्साइड के सेकेंड सोर्स के रूप में होता है। विच प्राइवेट सेक्टर कंपनी स्टार्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटकॉम सर्विसेज इन इंडिया जून 2024? जून 2024 में कौन सी निजी क्षेत्र की कंपनी जो है भारत में उपग्रह संचार सेवा सैटकॉम शुरू करेगी? भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और टाटा कम्युनिकेशन? आंसर आपका बी, रिलायंस जियो के द्वारा शुरू किया जाएगा। सॉरी, इन जून 2024 मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू कीप लियोपार्ड इन विच अदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपार्ट फ्रॉम द पुनो नेशनल? जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने पुनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्य जीव अभयारण्य में तेंदुओं को रखने की घोषणा की है? पन्ना नेशनल पार्क, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ, कान्हा और पेंच? आंसर है आपका बी, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज बाय सिप्री ऑन न्यूक्लियर वीपन इन जून 2024, हाउ मेनी न्यूक्लियर वीपन डज इंडिया हैव? जून 2024 में परमाणु हथियारों पर सिप्री द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? 150, 172, 200 और 190? आंसर आपका बी, 172। विच टू साइट्स इन बिहार हैव बीन नोटिफाइड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट एट द लेटेस्ट वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस इन जून 2024? जून 2024 में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बिहार के किन दो स्थलों को अंतरराष्ट्रीय महत्व के नवीनतम आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया? वेटलैंड के रूप में स्वीकृत वाल्मीकि नेशनल पार्क और भीम बांध, कन्वर और उदयपुर, नकपी और नागी बर्ड सेंचुरी, विक्रमशिला और गंगा डॉल्फिन एंड राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? बताइए आंसर क्या होगा? आंसर आपका सी, नक्के नागे बर्ड सेंचुरी को और क्या वेटलैंड के रूप में घोषित किया गया। विच सिटी हैज वाज डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश ऑन जून 12? डेट भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो जून 12 2024, 12 जून 2024 को किस शहर को आंध्र प्रदेश के आधिकारिक राजधानी घोषित किया गया? विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, तिरुपति और अमरावती? आंसर क्या है आपका? आंसर है ठीक। द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट स्टार्टेड मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी फॉर इट्स फीमेल एम्प्लॉय? मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक भत्ता अवकाश नीति शुरू किया है? ऑप्शन केरल, सिक्किम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु? आंसर क्या है? आंसर है आपका बी, सिक्किम के द्वारा शुरू किया गया। इन विच स्टेट डिड द त्रिशक्ति कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी इनॉग्रेट द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकल प्लांट ऑन जून 5 जून 2024 को भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण संयंत्र का उद्घाटन किया? वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम? आंसर है आपका सिक्किम। हाउ मेनी विमेन मिनिस्टर्स टू ओथ इन द इंडिया गवर्नमेंट काउंट फॉर थर्ड टाइम्स ऑन 9th ऑफ जून अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार एनडीए सरकार में कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ली है, ये बताना है हमें। 5, 6, 7 और 8? आंसर क्या है? आंसर आपका सी, 7 महिला मंत्रियों ने शपथ ली है। विच भारतीय जनता पार्टी लीडर टुक ओथ ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा इन प्लेस ऑफ नवीन पटनायक? 12 जून को नवीन पटनायक के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री की शपथ लिया? धर्मेंद्र प्रधान, वैजंत पांडा, मोहन मांझी और अपराजिता सारंगी? बताइए आंसर क्या है? आंसर आपका सी, मोहन मांझी। हु गॉट द टॉप पोजीशन अमंग इंडियन यूनिवर्सिटी इन टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज मेन 24?
मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान किसे मिला है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। आंसर आपका सी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला। इन द वर्ल्ड साइबर क्राइम, इन द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 रिलीज इन 2 अप्रैल, इंडिया हैज बीन रैंक्ड। साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 5th, 7th, 10th और 12th। आंसर आपका डी, 10th रैंक इंडिया। ऑन द मे 2024 द इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्टेड पोर्टेबल हॉस्पिटल बाय व्हाट नेम इन द मालपुरा टिफिन जोन ऑफ आगरा। मई 2024 को 14 मई 2024 को भारतीय वायुसेना ने आगरा के मालपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया? अर्जुना, भीष्म, कर्ण और द्रोण, बताइए। आंसर आपका बी, भीष्म। भीष्म का फुल बात करें तो बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेस। Which IT company established the first human centric AI center in Paris, France? किस भारतीय आईटी कंपनी ने पेरिस फ्रांस में पहला मानव केंद्रित एआई केंद्र स्थापित किया है? ऑप्शन इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल और टीसीएस। आंसर आपका डी, टीसीएस द्वारा स्थापित किया गया। Who became the first Indian star to include in the Deadline Magazine Global Disruptor list? फॉर द ईयर 2024 वर्ष 2024 के लिए डेट लाइट पत्रिका की ग्लोबल डिस्ट्रप्टर सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय स्टार कौन बने? प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और ऐश्वर्या राय। आंसर आपका सी, दीपिका पादुकोण। व्हिच रैंक हैव बीन गिवन टू इंडिया अमंग 119 कंट्रीज इन द ट्रेवल एंड टूरिस्ट इंडेक्स डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज्ड ऑन द 21st of May by the World Economic Forum। विश्व आर्थिक मंच जो 2021 में 2024 को जारी किया यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जो टोटल 119 देशों में से भारत को कितना कौन सा रैंक मिला है? 29, 39, 49 और 59। आंसर आपका बी, 39। यदि पूछे आपसे एग्जाम में पूछे कि ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाएगा। कितने कंट्री इसमें शामिल किए गए थे तो 119। इंडिया को कितना रैंक मिला? 39 रैंक मिला। व्हिच इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन केरला बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू गेट द रिकॉग्निशन ऑफ अ जीरो वेस्ट टू लैंडफिल इन मे 2024। केरल में स्थित कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मई 2024 में जीरो वेस्ट लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा, बताइए। आंसर क्या है? आंसर आपका डी, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। फ्रेंड्स, ये लगता है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाले हैं। बीपीएससी और अदर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली के क्वेश्चन आएंगे आपके, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।